हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अभी तक तो यात्रा सकुशल चल रही है, लेकिन डाक कांवड़ के दौर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि बड़े वाहन रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलेंगे। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अभी तक की कांवड़ यात्रा अच्छी चल रही है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं जो जल भर कर अपने शिवालय की ओर रवाना हो चुके हैं। अजय सिंह ने बताया कि डाक कांवड़ शुरू होने वाले हैं। ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बड़े वाहनों को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलाने की परमिशन दी गई है। अजय सिंह ने कहा कि बिना साइलेंसर की 32 गाड़ियों का चालान काटा गया है, लेकिन अगर चालान ही कटते रहे तो कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से आए और जल भरकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने शिवालय तक पहुंचे और अपनी यात्रा शुभ बनाए। कांवड़ की तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से चले थी, लेकिन 4 तारीख से मतलब प्रारंभ हो गया कि 1 लाख से ज्यादा कांवड़े चलने के जा चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि डाक कांवड़ का समय शुरू हो रहा है, तो 7 और 8 से बड़े वाहन आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमारी कोई पार्किंग वगैरह ध्यान दिया जा रहा है, बारिश भी बहुत हो रही है, पार्किंग का सुविधा ना हो उस पर ज्यादा फोकस है। बाकी जो हमारी डायर पटरी की ओर से पूरी तरह से कांवड़ी डायर पटरी में पैदल मार्गो पर जा रहे हैं, साथ ही साथ हाईवे पर भी कुछ गाड़ियां जा रही हैं जिनके साथ कांवड़ी जा रहे हैं। दोनों व्यवस्थाओं को वीडियो को इस तरह से लगाया गया कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई एक्सीडेंट की कोई संभावना ना हो। समस्त बलों को मौके पर जाकर हमारे अधिकारी ब्रीफ भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर क्या क्या हो सकता है, उसको पूरा किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।